हेलो गाइस, माय नेम इज देवेश। आज हमारा बूट कैंप में फर्स्ट डे है, तो बूट कैंप में जब भी आओगे ना तो यहाँ पे आप जरूर रहेगा। यहाँ बीच में फिरामल लीडरशिप का जो नाम लिखा है, तो इसमें है अनफोल्ड, इंपैक्ट और एंजॉय, ऐसा करके यहाँ इन पत्थर को जाना जाता है। सो मिलते हैं आगे। गांधी फेलोशिप गेव वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। दिस जर्नी हेल्प मी अ लॉट टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड लर्न अ लॉट। Various processes that I came across during the last 6 months made a sea of changes in me. Community immersion, field engagement and other facets of fellowship helped me to become the best version of myself, to become a better person. This improved the quality of empathy in me. I am looking forward to learn more and more through the journey and to be a true nation builder. Bootcamp experience. ये वर्ड फेलोशिप पे आने के बाद सुना था, पर अभी तक अपने लाइफ में एक समर वैकेशन ट्रिप होता है उसकी तरह देखा था। बट इस एक्सपीरियंस के बाद मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये एक सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ प्रोसेस है। शायद यही वजह है कि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि वॉट इज ट्रूली बूट कैंप। तो 6 महीने के जर्नी के बाद हम लोग बूटकैंप आकर एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट कल्चर्स, आइडियाज, नए दोस्त बनाते हैं, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं और खुद के बारे में जानने का मौका पाते हैं। अभी हम बूटकैंप में आ गए, तो आज से हमारी जर्नी चालू हो गई। तो हम देखेंगे आगे के 4-5 दिन जो कैसे गुजरते हैं, हमको क्या क्या सीखने को मिलता है और आगे हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं और एक दूसरे से कैसे सीखते हैं, पीयर लर्निंग, ये सब हम अभी एक्सपीरियंस करेंगे। साबरमती के कंद तूने कर दिया कमाल। और कैसे चीजों को हम लोग बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में लाइटिंग कनेक्शन, ये सब यहाँ पे हम लोग का ब्लॉक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग का मेन फोकस है, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस यही रहता है कि हम कैसे उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है वो खाना कैसे लग रहा है? अरे भाई, खाना मतलब दही में मीठी शक्कर, पूरा मजा। बता भाई, खाना कैसा बना है? खाना बहुत टेस्टी है, बहुत शानदार, मजा आ रहा है। कुछ भी सुनते जा। This was our second day of boot camp and today we got to know about iceberg theory, and it says 10% of the iceberg which we see is similar to the 10% human behavior which we see, but that comes from 90% of the things which they go through and the 90% of iceberg which we don't see. So I think this will help us to empathize with people that their behavior is not all they, what they have to say. गाइस, सुबह सुबह यहाँ योगा हो रही है। पीएसएल की साफ सफाई चल रही है और इनका ग्रुप गिर गया है आज, तो देखते हैं कौन किसके ग्रुप में है। हाँ क्रिस्टीना, हाय। और रात को गिटार और सुबह साफ सफाई। दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा भाई। ये भाई चलो तो लल्ले लगे, तुम जैसों को पक्के हो गए। आज आपको ये कचरा साफ करते समय कैसा महसूस हो रहा है? प्रत्येक चीज की है ना, तो ये जो सारे बच्चे आप लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग अभी पीएसएल राजस्थान बग्गड़ ब्लॉक में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं।
once again. Thank you so much. कैसे डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से चैन वो कैसा हो जाएगा? हम पहली बात तो रेगुलर विजिट करते हैं. हमारा जो वैक्सीनेशन डे होता है वो ट्यूजडे फ्राइडे होता है हमारे पूरे सरगुजा में, लेकिन उसके बजाय भी हम और डे प्रेजेंट होते हैं वहाँ गांव की औरतों को करते हैं उसका पीपीटी शेयरिंग करना विद सेम अदर सर्विस. इससे क्या होता है उनको भी पता रहता है कि हम एज अ फेलो क्या काम कर रहे हैं. मेरे से कुछ ज्यादा नहीं देता है. देवेश, यस, व्हाट अबाउट ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट? यस, हाँ, तो आज सेट एंड गोल्स माइंडसेट क्या हो सकता है? तो इसमें फिक्स माइंडसेट वाला ये चीज है कि आप कोई कोई सोच सोचते हो और उसमें फिक्स रह जाते हो, बट ग्रोथ माइंडसेट में आप सोचते रहते हो, आपका प्लान सडनली चेंज हो जाता है, आपकी सीखने की प्रक्रिया चेंज हो जाती है. सो थैंक यू. कम्युनिटी मैपिंग कराई गई, उसमें मुझे समझ में आया कि मुझे राइटर बनना तो है पर मैंने कुछ बिग एजम्पशंस बना रखे हैं. तो उस इम्यूनिटी मैपिंग को करते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे बिग एजम्पशंस क्या है. तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए कि मैंने आइडेंटिफाई किया मेरे बिग एजम्पशंस को कि वो फियर ऑफ सोसाइटी है या मेरे हार जाने पे मेरे डायरेक्शन लेस हो जाऊँगा मैं, ये मेरा डर है. तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ. इफ यू रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड नो योर सेल्फ प्लीज कम थ्रू दिस जर्नी ऑफ गांधी फेलोशिप. यू विल लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ. थैंक यू. हेलो मीनाक्षी. हाय देवेश. डिफाइन योर फेलोशिप जर्नी इन वन वर्ड. फेलोशिप जर्नी इन वन वर्ड, अनफोल्डिंग माय सेल्फ. ओह नाइस. एक्सप्लोर योर सेल्फ. यस. एडेप्टेबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स चेंज. सेल्फ एनर्जी. यस नाइस. चैलेंजेस टू माय सेल्फ. Self challenge. I think self transformation through self reflection. Know myself. Okay. Self reflection. Self acceptance. Clear vision about my goal. Flexibility. Life reality. Okay. Surrender to change. Outer to inner. Step out from comfort zone. Okay. Accepting my thoughts and working on it. Hi, I'm Damakilo. Just being glad to be part of Gandhi Fellowship Program. I'm here at Baga. For last 4 days, I'm here for the boot camp. Thank you so much. It's nice to have you all. Hi, my name is Devish. I'm one of the facilitators at the boot camp. This process is a very experiential process. Once you only visit here, you get to explore, cross-culture, and a lot of learning, a lot of fun. So once you come here, only then you can understand the exploration about the process. So I welcome you all. Hello Amol ji. So what's your message to new fellow? Shayari mein bolunga chalega. Ha.
मंजिलें मिली जाती है भटकते सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बैच सेक्शन के लिए मेरा यही मैसेज है, आप जिस फेलोशिप में आ रहे हो वो फेलोशिप ऐसी वैसी नहीं है, घर से बाहर निकलो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी ने बैच 15 का बूट कैंप जर्नी है एंजॉय किया होगा। तो इसमें अलग अलग सेशन होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं और फेलोज अलग अलग कल्चर के फेलोज आते हैं, तो इनके थॉट्स को क्लियर होने में हेल्प हो जाती है और इनको नए नए आइडियाज मिलते हैं। जैसे कि फेलोशिप प्रोसेस में आता है लर्निंग करिकुलम, विपासना, बूट कैंप, कम्युनिटी इमर्शन और लर्निंग जर्नी, जैसे कि इसमें और फील्ड वर्क, इसमें बहुत कुछ सीखते हैं ये लोग, जो कि हमको एक सीखने का और खुद को पहचानने का मौका मिलता है। सो नेक्स्ट बैच के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि जब भी आप गांधी फेलोशिप में आओ तो अपने सपनों को इस प्रोसेस से कनेक्ट करो और उसको एक्सप्लोर करो। थैंक यू।